हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल से नवरात्रि शुरू होना है, तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ नमकीन शेयर करते हैं, जिसे एक दिन बनाओ और 9 दिन खाओ। तो यहाँ पे 2 आलू थे जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है छील के, और इनको 3 से 4 पानी से हमें धो लेना है। जब तक इनसे स्टार्च निकलता रहे तब तक हमें धो लेना है, पूरी तरह से हमें इसके जो है स्टार्च को ख़त्म करना है। तो मैंने कई पानी से धो लिया है, उसके बाद हम इसको एक कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे, जिससे इनका सारा पानी जो है सूख जाए। तो कॉटन के कपड़े पे फैला देंगे, और तब तक हम दूसरी आगे की तैयारी करेंगे और आगे का काम करेंगे, जब तक इनका पानी सूख जाएगा। तो इस तरीके से देखिए, इनका पानी दबाते हुए सारा सुखा देंगे और फिर इन्हें फैला हुआ छोड़ देंगे। इधर हमने लिए हैं कुछ मूंगफली के दाने, कुछ मखाने और सेंधा नमक, करी पत्ता और काली मिर्च पाउडर। गैस पर रख दी हमने कढ़ाई, और इसमें हमने केवल 1 चम्मच घी ऐड किया है, और जो हमारे मखाने हैं उनको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जब तक क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक। क्रिस्पी होने तक हमें रोस्ट करना है, हाथ से देख लेना है आपको फोड़ के, जब तक क्रिस्पी नहीं होते हैं तब तक आपको रोस्ट करना है। मखानों को निकाल लिया है, और उसी कढ़ाई में हम मूंगफली को भी रोस्ट कर लेंगे। और मूंगफली चटकने लगती है, एक खुशबू आने लगती है, तब समझ लेना कि हमारी मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। चलिए थोड़ा सा इसी कढ़ाई में हम साबूदाना भी सेक लेंगे। तो हमने थोड़ा सा इसमें घी ऐड किया है, ये घी नहीं रिफाइंड है, देसी घी नहीं है। और ये देखिए बड़ा साबूदाना है, इसको रामदाना भी बोला जाता है। तो इसको आपको अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे सेकना है, जिससे ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए, फूल जाए पूरा। और फूलने के बाद ये काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ये देखिए सिक चुका है, और इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे, जिससे इस सारा जो इस ऑयल है वो हमारा निकल जाए, और जिसमें हमने मूंगफली और मखाने रखे हुए थे उन्हीं में इसको भी रख लेंगे। अब बारी आती है हमारे जो आलू लच्छा थे ना, जिनको हमने फैलाया था, उनको सेकने की। तो अगर इनमें पानी रहेगा ना तो ये चिपक जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए इनका पानी सुखाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पंखे के नीचे रख दीजिए कॉटन के कपड़े फैला के। तो देखिए अगर पानी रहेगा तो चिपक जाएंगे। तो देखिए इनका पानी पूरी तरह से सूख चुका था, तो ये देखिए सारे लच्छे अलग अलग हो गए हैं और क्रिस्पी हो गए हैं, और हमने हल्का ब्राउन होने तक इनको सेक लिया है अच्छे से। तो अब हम इनको कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, और अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ते हैं तो आप वो ले लीजिए। मेरे पास फ्रेश नहीं थे, तो हमने थोड़ा सुखा के रखे हुए थे फ्रिज में, तो मैंने वो लिए हैं। और उनको भी हम हल्का सा सेक लेंगे, और इनको भी हम निकाल लेंगे और नमकीन में डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक और काली मिर्च का पाउडर। तो ये नमकीन देखिए हेल्दी भी है और टेस्टी भी है, और एक दिन बना के रख लो आप, 9 दिन इसका आराम से आनंद लो, एंजॉय करो। तो ट्राई ज़रूर करना, बना के रख लीजिए और 9 दिन इसका आनंद लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रही होगी, जो भी फास्ट रखते हैं 9 दिन का, और 9 दिन का नहीं भी रखते हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट तो सभी रखते हैं, तो ट्राई ज़रूर करना। एक दिन बनाओ, 9 दिन खाओ आराम से। तो ये थी हमारी नवरात्रि व्रत स्पेशल नमकीन। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल रही होगी वीडियो, क्योंकि आज संडे है और ट्यूसडे से नवरात्रि शुरू है, और ये वीडियो आपको कल मंडे को मिलेगी। तो आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय।